जाने कहाँ घाट होते नहीं सागरों में कहीं ना इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा आई थिंक, जहाँ पर कि फ्लड ऑफ न्यू टैलेंट्स विल बी देयर, जो कि आगे आने वाले 4-5 साल में बहुत बड़े स्टार होंगे, बिकॉज देयर हैज़ टू हैव ए चेंज एंड दिस चेंज इज़ वेरी ऑब्वियस नाउ यू कैन सी. सो टुडे आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू इंट्रोड्यूस 6 लीड एक्टर्स टुडे एंड विद देयर परफॉर्मेंसेज, नॉट दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग ऑन मुहूर्त. और सब बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, जब आप लव एक्सप्रेस देखेंगे या साइकिल किक देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई अभी नया जमाना शुरू है. वेल, मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स वाज द स्टोरी बाय टैगोर एंड सिचुएशन एंड हाउ टैगोर एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग इन हिज सॉन्ग्स एंड व्हिच आर पिक्ड अप बाय द डायरेक्टर from his collection, from Shanchoyata and Gitvita, and the way he has placed them, and they are well, so beautifully composed with the Ravindra Sangeet theme tune, and composed sound-wise, musically, by Sanjay, which was very inspiring. So, when all this is given to me, the credit goes to all of them, and then I have only to purge out myself. And then buy it and say it out. Yeah, I feel this is the right time. You know, as you have seen the last 2 years, especially the last year, a lot of new talent has been introduced. And you know, Subhash has always been you know, one of those filmmakers who's always not only encouraged and introduced new actors and actresses, but even you know, old technicians. And as well as he's been, you know, he has been, has his contribution Hindi film music has been immense and tremendous, you know. So so he's always been a, you know, kind of a source of an inspiration for all of us. नौका डुबी का हिंदी में बनाना कशमकश के रूप में और बंगाली में नौका डुबी, ये हम दोनों का एक आपस में सहमति है. I just owe my, I owe everything in the film to Mr. Subhash Ghai and to Ritwana Ghosh, to Gulzar Saab, to the music composer, to everyone who's been involved in the film. And we've all been waiting for the release of this film for a very long time. And I think dubbing it in Hindi has been a great, it's a great idea because it's such a beautiful, aesthetically, intelligently shot film that everyone should get an opportunity to see it. कला चीज़ ही ऐसी है, आर्ट इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ. तो ज़िंदगी से हमेशा ली जाती है, हज़ारों साल से सैकड़ों साल से हम म्यूज़िक को एक नया मोड़ देते हैं, नई शेप बनाते हैं, वही हमारा आर्ट. जैसे कि आप लव एक्सप्रेस के म्यूज़िक सुनेंगे तो उसमें मेलोडीज हैं. मैं किसी एक्टर को डायरेक्ट नहीं करना चाहता, मैं एक अच्छी स्टोरी बताना चाहता हूँ लोगों में और उसके साथ काम करना चाहता हूँ जो मेरे साथ काम करने में बच्चे की तरह एक्साइटेड है. ज़िंदगी से ली हुई कहानियाँ आज नहीं, बहुत पहले से बनती आई हैं. हम भी ज़िंदगी से ही लेते हैं लेकिन हम उसको एक ड्रामाटाइज कर देते हैं, उसको फिक्शन बनाते हैं, लेकिन लिया तो ज़िंदगी से है.
लेकिन कुछ लोग जिंदगी की कहानी वैसे ही लेके उसी स्ट्रक्चर में पेश करते हैं, जो अच्छी बात है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। मैं तो कहूँगा कि न्यू स्टार के लिए आज गॉडफादर मीडिया है। मीडिया कैन प्ले ए वेरी बिग रोल इन ब्रिंगिंग ए न्यू फ्लड ऑफ न्यू टैलेंट एंड चेंज द सिनेमा, एंड यू आर द गॉडफादर, नॉट एनी इंडिविजुअल।